इलेवेंथ लेक्चर है। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये रोटेशनल डायनामिक्स का इलेवेंथ लेक्चर है। इसमें कल हमने एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन किया था, उसी से रिलेटेड हम पहले दो न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद आगे की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले हमने इसके पहले लेक्चर में आपको नोट करा रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ये पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग ए लाइन y इज इक्वल टू x माइनस फोर, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, गिवन वेलोसिटी v है, मास m दिया है, वेलोसिटी v दी है और ये पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा क्योंकि इसकी जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू x माइनस फोर है। तो पहले इक्वेशन को प्लॉट करें, तो यहाँ ग्राफ बनाएं उसका, ये एक्स वाई एक्सिस बना लिया, इसमें x को जीरो पुटअप करें तो y माइनस फोर आएगा, यानी कि y पर इंटरसेप्ट माइनस फोर होगा, फिर आप y को जीरो पुटअप करें तो x फोर आएगा। इसका मतलब है कि ओरिजिन से डिस्टेंस जहां पर ये कट कर रहा है ये डिस्टेंस भी फोर होगी और ये भी फोर होगी। ओके, अब यहां पर आपको मालूम है पार्टिकल के लिए जो फार्मूला होता है वो मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कल हमने स्ट्रेट लाइन के और सबके अलग अलग फार्मूले कराए हैं लेक्चर में। तो यहाँ पर साइन 45 लगाए क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे, ये 90 है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, इनकी डिस्टेंस इक्वल है। तो साइन 45 परपेंडिकुलर डी है डिस्टेंस और इसका हाइपोटेनस 4 होगा क्योंकि ये एंगल हमारा 90 होगा जिस पर आपने पी पॉइंट पर जो स्ट्राइक कर रहा है। तो डी आ गया डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ये आई 4/√2। तो एंगुलर मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगाया है। ये जो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, इसमें एक डिस्क जो है वो रोटेट हो रही है, डिस्क की लिनियर वेलोसिटी वी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रही है, ठीक। ये नीचे वाला सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सरफेस पर और ओ इसका सेंटर है। इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट सी, सी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यानी जो अर्थ पर पॉइंट टच कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट। ओके, तो यहां पर अगर हम सी पॉइंट के अबाउट, जो एक्सिस है वो नेचुरल है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा और इसमें दोनों तरह का एंगुलर मोमेंटम होगा, लिनियर वाला भी और रोटेशन का भी। तो यहां पर फार्मूले में एक तो आई सी एम ओमेगा लगाएं क्योंकि बॉडी रोटेट हो रही है, इसमें हमेशा आई सी एम लगाना किसी के भी अबाउट निकालना हो। दूसरा मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने डायरेक्ट नोट कर दिए हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर ये, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ओ पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो कितना आएगा आर, हमने उस आर को यहाँ डायरेक्ट नोट कर दिया है। ओके, फिर इसका आई सी एम ले लें, आई सी एम आपको मालूम डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके अबाउट, ओ के अबाउट। ओमेगा की जगह v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह v अपान r पुटअप कर दें, r कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों सम होके 3/2 mvr आ गया। यहीं पर ध्यान रखना कि अगर एंगुलर मोमेंटम पॉइंट a के अबाउट निकाला जाए तो ये जो पोर्शन होगा लिनियर वाला ये जीरो हो जाएगा, यानी कि mvr वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, केवल इसमें एंगुलर वाला होगा आई ओमेगा, जिसे हम इंट्रेंसिक एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एक इसी तरह से अगर B पॉइंट के अबाउट निकालें तो उसके अबाउट भी एम बी आर जीरो होगा। और क्लॉक और एंटी क्लॉक का भी ध्यान रखना, ये जो बॉडी रोटेट हो रही है ये क्लॉक वाइज हो रही है, हमने क्लॉक वाइज को पॉजिटिव ले लिया है, आपने जो फाइनल आंसर लिखा है 3/2 mvr वहां ब्रैकेट में उसके क्लॉक वाइज लिख दें। यहां पर दोनों ध्यान दें, एंगुलर मोमेंटम जो निकाले हैं वो दोनों क्लॉक वाइज हैं, आई ओमेगा भी क्लॉक वाइज है क्योंकि क्लॉक वाइज डिस्क रोटेट हो रही है, और अगर हम सी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे सेंटर ऑफ मास जो आगे जा रहा है, ठीक, उसका एंगुलर मोमेंटम वो भी आपका क्लॉक वाइज जाएगा, इसलिए दोनों को डायरेक्ट प्लस कर लिया है, आंसर में आप क्लॉक वाइज नोट कर लें। तो इसी तरह से आप डिस्क का या और कोई भी रिजिड बॉडी हो किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम में ध्यान रखना, सबसे पहले आप ये चेक करें कि वो पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है, प्योर रोटेशन है या दोनों टाइप के मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है। उसके बाद उसको जो है, अब आप यहाँ पर फार्मूला उसके बाद ही लगाएं उसके बाद, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर आपको जो बेसिक फार्मूले, आपको ध्यान होगा कि जैसे सर्कुलर मोशन में हम पढ़ते थे कि
ये इसका सेंटर है सर्कुलर मोशन का, और कोई पार्टिकल ए से पी पॉइंट पर पहुंच गया तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जब रिजिड बॉडी कोई होगी और वो रोटेट करेगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो वहां पर भी कोई भी पार्टिकल है वो भी सर्किल में मूव कर रहा है, आपने बेसिक डिफिनेशन में लिखा है। तो वो पार्टिकल जैसे मान लीजिए ए से बी पर पहुंच गया, तो उसने जो ये एंगल ट्रेवल किया है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसकी ये डिस्टेंस जो इसने मूव की है ये लिनियर डिस्टेंस है, ये सेंटर से डिस्टेंस होगी यहाँ पर, ठीक, उसको हम आर लिख सकते हैं। ये आर हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा, ठीक, डिस्टेंस सबकी अलग होगी, लेकिन इस लाइन पर जितने भी पार्टिकल होंगे उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम होगा, ठीक। तो नेचुरल है कि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। आप आगे यहां पर हेडिंग डाल दें, रिजिड बॉडी रोटेशन, रिजिड बॉडी रोटेशन। यहां हम फार्मूले लिखाएंगे सिंपली जो कि हमने सर्कुलर मोशन में लिख रखे हैं, रिजिड बॉडी रोटेशन, ठीक। तो कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो उसका कोई भी जो पार्टिकल होगा, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर इसको एक्स एक्सिस ले लिया है, इसको वाई एक्सिस ले लिया है, तो ये पार्टिकल यहाँ का एक्स एक्सिस से इतना रोटेट हो गया, पहले ए पर था अब कहाँ चला गया, बी पर चला गया, ये रोटेट हो गया ऐसे, तो डिस्टेंस कितनी मूव की इसने, यस। तो आपको मालूम होगा सर्कुलर मोशन के लेक्चर से कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, यानी ये एस अपान आर होगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक, एस इज इक्वल टू आर थीटा लिख लें, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी। डी एस बाई डी टी वेलोसिटी वी हो गया, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा बन गया। ये रिजिड बॉडी के लिए भी लगेगा और पार्टिकल के लिए तो लगता ही है सर्कुलर मोशन में, क्यों, रिजिड बॉडी में सभी पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये रिलेशन रहेगा। आप यहाँ पर इस बात को ध्यान देने की कोशिश करें कि जैसे मान लीजिए ये डिस्क है आपकी सेंटर के अबाउट रोटेट हो रही है, तो जितने पार्टिकल हैं सब सर्किल में घूम रहे हैं, समझ गए ना, एक एक पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग होगी, होगी ना अलग अलग सबका, लेकिन थीटा एक साथ चलेगा। जैसे मान लीजिए इस लाइन पर जितने पार्टिकल आए वो आगे जब ये रोटेट हो गया तो थीटा सबका बराबर, और आगे भी हैं वो भी उतना ही रोटेट होंगे, थीटा उनका भी उतना ही होगा, समझ गए ना बात। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसमें r डिफरेंट पार्टिकल का अलग अलग होगा, ओमेगा सबका सेम होगा इंस्टेंट पर, समझ गए ना ये बात, एट एनी इंस्टेंट। जैसे टाइम इंटरवल 1 सेकंड लिया तो उस टाइम इंटरवल में सबके लिए ओमेगा सेम रहेगा, तो यहाँ पर फार्मूला बनता v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, देखिए रिजिड बॉडी में जैसे आप ट्रांसलेटरी मोशन में क्या करते हैं कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, बॉडी क्या होगा, एक्सीलरेट हो जाएगी। ये भी पढ़ते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिल्कुल वही चीज रोटेशन में है। अगर रोटेशन में बॉडी को एक बार रोटेट करा दिया जाए तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रोटेट होती रहेगी, फ्रिक्शन हम नहीं लेते हैं यहां पर, ठीक, किसी टाइप का कोई भी अपोजिशन नहीं है, तो एक बार रोटेट करा दो तो रोटेट होती है, जैसे अर्थ एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, समझ गए ना बात। अब यहां पर बात समझें कि अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, ठीक, तो हर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा। यहां पर ध्यान दें केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा, कौन सा, सेंटीपेटल, क्योंकि हर पार्टिकल को सर्किल में घूमने के लिए सेंटीपेटल एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए एक एक्सीलरेशन केवल होगा, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन, समझ गए ना। उसकी वे फार्मूला भी आपको मालूम, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक, या वी स्क्वायर बाई आर होता है सर्कुलर मोशन में, ठीक। अब अगर मान लीजिए हम इस बॉडी का पर टॉर्क लगाते हैं, अब आपने बार बार यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगाया, मान लें जैसे साइकिल में आप उसकी व्हील को स्टैंड पर खड़ा करें और उसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाएं बार बार, तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। जब टॉर्क लगेगा तो फिर ओमेगा इंक्रीज होगा, तो फिर डी ओमेगा बाई डी टी भी होगा। जैसे आप वहां पर लिखते हैं ये डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, डी बी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ठीक। और एक बात ध्यान दें, हमने पहले भी बताया कि एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है। जब आप ऐसे फोर्स लगाएंगे इसमें बार बार,
तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा हर पार्टिकल का, ठीक, और पूरी बॉडी में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, ऐसे होगा ना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दूसरा यहां पर ध्यान दें, टेंजेंशियल भी होगा और अब ओमेगा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर डी ओमेगा वाई डी टी भी होगा। तो अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर टॉर्क लगाते हैं तो यहां पर नेचुरल है ये डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, ये डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो इसको नोट कर लिया आपने डायग्राम बनाकर, ठीक, इसको नोट कर लें डायग्राम बनाकर, फिर हम आगे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो ये जनरल थ्योरी है सर्कुलर मोशन में, आपने इसको ऑलरेडी थ्योरी को कर रखा है, बस केवल एक रिजिड बॉडी बना दें, थीटा बना दें, आर्क बाई रेडियस लिख दें, या थीटा या सपान आर, ठीक, और ये डबल लिखने की जरूरत नहीं है, और एस इज इक्वल टू आर थीटा हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डीएस बाई डी टी वेलोसिटी बन गया, डीएस बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, और डी थीटा बाई डी टी की जगह ओमेगा पुट अप कर दें, अगर इसमें टॉर्क लगाएंगे तो ये चेंज होगा, इसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर दें तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख दो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये एक्सीलरेशन हो गया टेंजेंशियल, ये आर हो गया, और डी ओमेगा बाई डी टी को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा लिख देना, अल्फा इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। हम इसके किसी आगे लेक्चर में आपको ये बात समझाएंगे कि अभी तक आपने जो पढ़ा है इसमें ये डिस्क में प्योर रोटेशन है, ठीक, यहाँ जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ठीक, उससे क्या होगा ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, आपका अल्फा आ जाएगा, अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा परपेंडिकुलर टू द अपवर्ड। यहाँ तीन एक्सीलरेशन बने जब आप टॉर्क लगाएंगे, कौन कौन से, एक सेंटीपिटल, एक लिनियर और तीसरा एंगुलर, ठीक, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ध्यान रखना वो दोनों लीनियर एक्सीलरेशन है, जिनको सर्कुलर मोशन आता है ठीक से उन्हें ध्यान होगा कि ये सेंटीपिटल और टेंजेंशियल, उनको हम मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अल्फा का टेंजेंशियल के साथ ये रिलेशन है, अल्फा का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है ना, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट वो भी होता फार्मूला क्या था, ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, सर्कुलर मोशन में करा रखा है, अल्फा क्रॉस आर होता है, ठीक है ना। आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड लगाएंगे तो एटी का डायरेक्शन आपको निकल आएगा, जैसे कल एंगुलर मोमेंटम में हाथ से निकाल के दिखा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से, समझ में आ गई बात। और फिर एक और मोशन होता है कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पर देखें जैसे ये डिस्क है, ये रोटेट भी कर रही है और आगे भी जा रही है, तो आगे हो सकता है आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ क्या होगा, एक लीनियर एक्सीलरेशन भी आएगा, आएगा ना, कितने एक्सीलरेशन बने, चार, अब बॉडी रोटेट भी होगी और आगे भी एक्सीलरेट होगी, तो एक एक पार्टिकल में वो आर्टिकल हम आगे डालेंगे इसको, ठीक है ना, वहां समझाएंगे कैसे वहां पर हम जो चारों एक्सीलरेशन उनको रिलेट करेंगे और कैसे उनका नेट निकालेंगे, समझ गए ना। तो अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये हमने यहाँ पर फार्मूला बनाया है, प्रूफ दैट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक, यहाँ पर वही एक रिजिड बॉडी ले ली और उसको ये बिल्कुल एफ इज इक्वल टू एम ए की तरह है, ये रिजिड बॉडी है, यहां पर इसमें पार्टिकल में डिवाइड कर लो एम वन एम टू एम थ्री, इलेवेंथ में इनको ऐसे ही ड्राइव करके आए, इनकी एक्सिस आप रोटेशन से डिस्टेंस लिख देना, वहां आर वन आर टू आर थ्री डॉट डॉट आर एन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का किया था। तो नोट करें एंगुलर एक्सीलर, देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा विल बी सेम, जब आप टॉर्क इसमें लगाएंगे तो जैसे ओमेगा सबका सेम है वैसे अल्फा यहां पर सेम होगा, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट अल्फा लगेगा, समझ गए ना। तो यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा विल बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, सपोज मास ऑफ वन पार्टिकल इज एम वन एंड इट्स डिस्टेंस आर वन फ्रॉम एक्सिस ऑफ
रोटेशन, वैसे आप हर पार्टिकल का नोट कर लेना। देन लीनियर एक्सीलरेशन का फार्मूला अभी ड्राइव किया है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए या हमने एक्सीलरेशन ए वन ले लिया है, डिस्टेंस आर वन है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन ले लिया है, इसमें फोर्स कितना लगेगा पार्टिकल में, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो मास एम वन इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एम वन ए वन, ठीक, ए वन की इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो एम वन आर वन अल्फा, यहां पर ये फोर्स आपका एम वन आर वन अल्फा आ गया। अब मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क निकालें, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं है, ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है आर वन और इसमें फोर्स को मल्टीप्लाई किया है सिंपली, ठीक, तो यहां पर एफ वन की ये वैल्यू पुटअप कर दें और आर वन इसमें मल्टीप्लाई करें तो एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एक सिमिलरली हमने अदर पार्टिकल का डायरेक्ट लिख लिया है आपका, तो सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स टॉर्क एक्टिंग विल बी, यहां पर जैसे वन वन लिखा है यहां टू लिख दें, एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा, डॉट डॉट लिख दें एम एन आर एन, और टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द होल बॉडी सबको सम कर लें टॉर्क का, ठीक, इसमें सब में अल्फा कॉन्स्टेंट है इसको कॉमन ले लें, ठीक, तो जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गई। इसका हमने जनरल फार्मूला लिख लिया है एम आई आर आई का स्क्वायर और आई इज इक्वल टू वन टू एन, इसका आप रोटेशन में पहले यूज कर चुके हैं, अल्फा कांस्टेंट था बाहर है इंटीग्रेशन उसके ब्रैकेट के, तो यहाँ पर इसकी जगह आई लिख दें तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बन गया, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए है, कल न्यूमेरिकल में आपने इसका यूज भी किया है, ठीक है ना। अब रिलेशन बनाएंगे, जैसे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वैसे ही टॉर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, तो आप इस वाली इक्वेशन को जो ये एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन होती है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट फंक्शन आर सेकंड का डी पी बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करें डी आर फर्स्ट का डी आर बाई डी टी और सेकंड को ऐसे ही नोट कर दें, तो डी पी बाई डी टी क्या होता है फोर्स होता है, ठीक, डी आर बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी होता है, और ये मोमेंटम है, मोमेंटम भी मास इंटू वेलोसिटी होता है, इसमें भी वेलोसिटी आएगा, मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, इसलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, यहाँ थीटा जीरो होगा, यहाँ लिखा है वेलोसिटी एंड मोमेंटम ये वेक्टर लगा है पैरेलल है, इसलिए ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए सीधे आपका जो है वो डीएल बाई डी टी आर क्रॉस एफ आ गया, और आर क्रॉस एफ का मीनिंग है कि वो टार्क होगा, यानी टार्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी हो गया। ये ठीक उसी तरह से हो गया कि जैसे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वैसे ही टार्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, तो आप ये दोनों फार्मूले यहाँ पर नोट कर लें। हाँ, ये जो इक्वेशन हमने अभी ड्राइव की है टार्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी, ये इक्वेशन जो हमने अभी निकाली है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, आप इसी में नीचे नोट करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग अपॉन द बॉडी, जैसे न्यूटन्स लॉ में होता है वैसे यहाँ पर भी फोर्स वहाँ भी एक्सटर्नल यहाँ भी टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग अपॉन द बॉडी, यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा और जो टॉर्क होगा ये टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ये दोनों एक ही पॉइंट के अबाउट लिए जाएंगे, ठीक है ना, नीचे लिख दें बोथ एल एंड टाउ, एल पर भी वेक्टर लगाएं और टाउ पर भी, बोथ एल एंड टाउ शुड बी रिफर्ड टू द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, ये आप फर्स्ट पॉइंट डालकर लिख दें और उसी में आगे नोट करें, रेफरेंस पॉइंट शुड बी एट रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट शुड बी एट रेस्ट आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, रेफरेंस पॉइंट शुड बी एट रेस्ट आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखा है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, हमने आपको न्यूटन्स लॉ में स्यूडो फोर्स में ये बात बताई है कि अगर किसी भी बॉडी पर
स्यूडो फोर्स एक्सीलरेटेड अगर बॉडी होगी तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा और उसमें स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर भी जो है वो हम जो फ्रेम लेंगे वो इनर्शियल फ्रेम लेंगे, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा यानी फ्रेम एक्सीलरेटेड होगा तो स्यूडो फोर्स लगेगा और उसका टॉर्क लगेगा। ठीक, आप न्यूटन्स लॉ के लेक्चर को देखें और उसमें देखें हम सेंटर ऑफ मास पर स्यूडो फोर्स लगाते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम में, अगर हम उस क्वेश्चन को उसी फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम से। लेकिन यहाँ हमने इसीलिए आपको फर्स्ट पॉइंट में ये बात नोट कराई है कि रेफरेंस पॉइंट शुड बी एट रेस्ट, या तो रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में हो जैसे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, या मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यानी कि इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट, या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगा दें टॉर्क के फार्मूले को यहाँ पर, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम लगाते हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर ही आप स्यूडो फोर्स लगाते हैं और सीएम के अबाउट ही जब टॉर्क को लेंगे तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। इसलिए सभी न्यूमेरिकल में ये लोग प्रेफर करते हैं कि आप यहां पर जो इक्वेशन लगाएं वो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में। यहां नोट करें सेकेंड पॉइंट, इफ रेफरेंस पॉइंट इज एक्सीलरेटेड दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू। इफ रेफरेंस पॉइंट इज एक्सीलरेटेड दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू, बट इफ रेफरेंस पॉइंट कोइंसाइड विद द सीएम, रेफरेंस पॉइंट कोइंसाइड विद द सीएम ऑफ द सिस्टम, यानी रेफरेंस पॉइंट सीएम पर ही कोइंसाइड कर रहा है, वही पॉइंट है, देन इट स्टिल होल्ड्स गुड, then it still holds good। आप समझ गए होंगे बात को। अगर हम एक्सीलरेटेड फ्रेम लेते हैं और इस इक्वेशन को सीएम पर लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी में नीचे नोट करें, hence it is better to write, hence it is better to write above formula, नोट करें यहां पर हमने दोनों में सीएम लगा दिया, ये फार्मूला ठीक है, ये कहीं भी लगा दो किसी भी फ्रेम पर ये चलेगा, अदरवाइज आपको यहां पर इनर्शियल फ्रेम लेना पड़ेगा। ठीक, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डीटी के दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डीएल वाई डी टी, ये टॉर्क एक्सटर्नल है, डीएल वाई डी टी, बाकी आप समझ गए सीएम के अबाउट है कैसे लेंगे। अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उसका मतलब है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो डीएल वाई डी टी भी जीरो होगा, इसका मतलब एल कांस्टेंट रहेगा। जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम में था कंजर्वेशन लॉ, वैसे ही यहां पर एंगुलर मोमेंटम में भी कंजर्वेशन लॉ है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। नीचे नोट करें, व्हेन एन एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। वेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर सिस्टम में कई सारी बॉडीज हैं और सबके एंगुलर मोमेंटम L1, L2, L3 हैं तो सब मिलाकर कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट पैरा में लिखें, इफ L1 वेक्टर लगाएं ऊपर कॉमा L2 वेक्टर लगाएं ... LN आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, बॉडी भी पार्टिकल की तरह फिर चूज कर लेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, देन वी कैन राइट L1 प्लस L2 ... LN
इज इक्वल टू कांस्टेंट, L1 प्लस L2 प्लस LN इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टोटल मिलाकर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, यानी आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिखिए, इफ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इफ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इफ एम आई चेंजेस फ्रॉम I1 टू I2, यानी मोमेंट ऑफ I1 और I2 मोमेंट ऑफ इनर्सिया चेंज हो गया I1 से I2, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि I ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। लिखिए, इफ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स MI चेंजेस फ्रॉम I1 टू I2, देन एंगुलर वेलोसिटी मस्ट चेंज फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। इसका मीनिंग I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये बहुत यूज होती है। जैसे M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 यूज होता है, वैसे ही I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 यूज होता है। बस एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो आपका जैसे MB लेते हैं, आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम होनी चाहिए, ओमेगा जो होता है, यही बात वहां भी होती है वेलोसिटी में। आप जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है आपका, ये I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, हम इस पर पहले दो क्वेश्चन लेंगे, जिसमें ये पहला जो क्वेश्चन हम आपको नोट करा रहे हैं ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना होम एग्जाम के पेपर में इसके आने के काफी चांस रहते हैं, तो आप नोट करें जरा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ contracts to half of its present, if the radius of the earth contracts to half of its present day value without change in its mass, what will be the length of day? इनका मतलब है कि जैसे दिन और रात 24 आवर का ही होता है, ठीक, टोटल मिलाकर, तो उसका ड्यूरेशन कितना होगा अगर जो अर्थ की रेडियस प्रेजेंट डे वैल्यू से हाफ हो जाए। ठीक, इसमें सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगेगा अर्थ के लिए, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है 2/5 mr² होता है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जो फार्मूला है वो 2π/T होता है। तो I1 2/5 mr² ओमेगा 2π/T1, ये T1 जो होगा वो 24 आवर है, दिन और रात जो होते हैं। ठीक, अब I2 के लिए वो बोल रहा है आपको कि रेडियस रिड्यूसेस टू हाफ, इसका मतलब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें रेडियस को RY2 डाल दें होल स्क्वायर, और नया टाइम पीरियड T2 है तो ओमेगा को डाल दिया 2π/T2। ओके, इसमें आपका R कैंसिल हो जाएगा, और T1 और T2 का रिलेशन सॉल्व करके देख लेना, ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो T1 इज इक्वल टू 4T2, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू T1/4, और ये 24/4 यानी 6 आवर, यानी 24 आवर की बजाय जो लेंथ होगी, ठीक है ना, दिन और रात दोनों को लिख लेते हैं, वो लेंथ ऑफ डे का मतलब कि दिन और रात मिलाकर टोटल कितना होगा, तो 6 आवर आएगी, जो ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 11th के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, a thin uniform circular disk of mass m and radius r is rotating in a horizontal plane with angular velocity omega. With angular velocity omega, another disk of same dimension but mass m by 4 is placed
ऑन द फर्स्ट डिस्क फाइंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले एक डिस्क थी, उसका मास एम था, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका हाफ एम आर स्क्वायर। तो वहाँ हाफ और नोट कर दे, हमने एम आर स्क्वायर लिख दिया, हाफ एम आर स्क्वायर। अब इसी डिस्क पर ये जो रोटेट हो रही है इसकी एंगुलर वेलोसिटी गिविन है ओमेगा, यानी ओमेगा वन ओमेगा के इक्वल है। अब क्या किया, इसी पर एक और डिस्क रख दी जिसका की मास एम बाई फोर है। तो अब जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें मास जो है और रेडियस सेम है, तो मास एम बाई फोर को मिला लिया या दोनों को प्लस कर लें, तो एम प्लस एम बाई फोर, या अलग अलग निकाल कर आप उसको प्लस कर सकते हैं, यानी एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस हाफ एम बाई फोर आर स्क्वायर, ये आई टू आ जाएगा, ये फाइव बाई एट आ रहा है, फाइव बाई एट एम आर स्क्वायर। और ओमेगा टू क्वेश्चन मार्क है, वो आपसे पूछा गया है, यानी कि आंसर हमारा जो आएगा वो किसके टर्म में आएगा, वो ओमेगा के टर्म में जाएगा। ओके, तो अब लगा दें आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी एक डिस्क रोटेट कर रही थी और उस पर एक दूसरी डिस्क रख दी, तो वैल्यू इसमें पुटअप कर दें, यहाँ पर जो ओमेगा टू आपका आ रहा है सॉल्व करके चेक कर लेना, फोर बाई फाइव ओमेगा आ रहा है। तो इस टाइप के छोटे क्वेश्चन जो हैं वो इलेवेंथ के लिए आपको तैयार होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। इसके अलावा हमारे यहाँ बुक्स में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिए होते हैं, जैसे आपको हम दो तीन एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे ये डिस्क है और डिस्क रोटेट हो रही है, ठीक, और इस पर कोई मैन खड़ा हुआ है, ठीक, हाथ में, जैसे ये मेरे हाथ हैं दोनों, इसमें कोई वेट लिए है, डंबल लिए हुए है, ऐसे सभी बुक्स में डायग्राम बना रखते हैं, ठीक, डिस्क रोटेट हो रही है तो मैन भी साथ साथ रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओमेगा है। अब उसने क्या किया, ये जो डंबल ऐसे लिए हुए था इनको पास में ले आए, जब पास में ले आए तो आर कम हो गया मास का, ठीक, जब आर कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, एम आर स्क्वायर होता है ना, आर डिक्रीज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, और आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, ये आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो डिस्क होती है वो और तेजी से रोटेट करने लगती है। ये डिस्क है ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक, इसमें इसमें मैन खड़ा है, ऐसे डंबल लिए फिर पास में ले आए तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। जब आपने देखा होगा कि वाटर में ऊपर से लोग जंप लगाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी बॉडी को, आपने देखा होगा पहले तो वो स्ट्रेट होते हैं, फिर अपनी बॉडी को जो है वो श्रिंक कर लेते हैं, पैर को भी ऊपर ले आते हैं सिकोड़ के और ऊपर भी ऐसे गोल हो जाते, ठीक, उसमें क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस डिक्रीज हो गई बॉडी की मास की, तो आर कम हो गया, बॉडी का मास जो हम लेंथ अगर सीधे खड़े हैं तो जो लेंथ मास ऊपर है वो पास में आ गया सीएम के, ऐसे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपका वो डिक्रीज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। उससे क्या होता है कि जंप नीचे करते समय वाटर में तो वो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिक्रीज हुआ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुए तो वो कई राउंड जो है वो ले लेते हैं, ऐसे घूमते हुए गिरते हैं ना, तो कई राउंड ट्रिप ले लेते हैं और फिर नीचे वाटर में गिरते हैं जाकर। तो आप समझ गए होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है जिससे वो कई राउंड ले सकते हैं। ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी कहीं कहीं पूछ लेते हैं। जैसे एक और आपको देखें, ये ट्यूब है, मान लो अंदर से हॉलो है, इसमें उन्होंने अंदर से एक थ्रेड डाल रखा है, धागा थ्रेड डाल रखा है और इसमें एक धागे में यहाँ पर कोई हल्का मास लगा दिया स्फेरिकल, ठीक, और उसको सर्किल में वो घूम रहा है, इसका न्यूमेरिकल भी मिल जाता कहीं कहीं पर। तो मास का ये सर्किल में रोटेट कर रहा है, धागा उससे जो अटैच है थ्रेड वो इसके अंदर से आते हुए नीचे आ रहा है, अब उसको नीचे से थोड़ा खींच लिया तो क्या होगा, ये मास पास में आ जाएगा, धागा यहाँ छोटा हो जाएगा थ्रेड, तो जब मास पास में आ गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी फिर वो और तेजी से घूमने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है।
तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम के आपके उसमें जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं बुक्स में, ठीक है ना। तो उन एग्जाम्पल्स को आप देख लेना, क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो हमने जो आज फार्मूले पढ़े हैं, ये टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा या टार्क टाउ इज इक्वल टू डी एल वाई डी टी, इसके अलावा जो यहाँ पर फार्मूले आते हैं, जैसे ये हमने डेरिवेशन किया है, बिल्कुल उसी तरह से उनके भी डेरिवेशन किए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हम ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हमने ड्राइव किया है उस समय हम उसको करा चुके हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशन की होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, जैसे ट्रांसलेशनल में हाफ एम बी स्क्वायर, वैसे रोटेशनल में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर दोनों मोशन हैं तो दोनों तरह की एनर्जी होगी और उनको प्लस किया जाएगा, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका हम रोलिंग के चैप्टर में या उसमें आपको डिटेल में इनका हम वर्किंग कराएंगे, ठीक ना। अब एक्सप्रेशन लिख दें वर्क डन का, उनको हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। लिख दीजिए एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय टॉर्क। तो वर्क डन का फार्मूला, जैसे वहां फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही यहां पर वर्क डन टाउ डी थीटा, इसमें कोई डॉट प्रोडक्ट और कोई वेक्टर नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। इसका कभी हम कम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्कशन करेंगे, यहां पर नहीं लगता है। ये वर्क डन में ध्यान रखना, टार्क टाउ और डी थीटा में, यहां पर जो ये वेक्टर हैं ये वाले, वो एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, वेक्टर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ये पोलर वेक्टर नहीं है, यहाँ पर उनका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पर नहीं लगेगा डॉट और वो, और ना इसमें वेक्टर लगाएं, ठीक। दूसरा फार्मूला आप पावर का, पावर वहां पर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसी से पावर बना ले रहे हैं। पावर जो है ये जस्ट फार्मूले आप ध्यान रखें और नोट करें, पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है तो टाऊ डी थीटा बाई डी टी होगा, और ये ओमेगा होता है तो पावर पी इज इक्वल टू टाऊ ओमेगा। जैसे वहां पर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, वैसे ही यहां पर पावर P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अगर कोई भी बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मास m है, रोटेट कर रही है डिस्क वगैरह, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशन के लिए, ठीक। और अगर दोनों मोशन है तो फिर दोनों एनर्जी होंगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिखते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक। यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, अगर दोनों मोशन है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, इसमें काइनेटिक एनर्जी का टोटल लगेगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे आपको डिस्क बताई थी कि डिस्क आगे भी जा रही है बी वेलोसिटी से और रोटेट भी हो रही है, समझ गए होंगे बात को। तो ऐसे में अगर लिनियर मोशन भी है और साथ साथ में एंगुलर मोशन भी है, तो आप यहाँ पर दोनों तरह की जो है वो एनर्जी का यूज करेंगे। अब आप फटाफट इसमें हेडिंग डालें, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। ये जैसे आपने काइनेमेटिक्स में ड्राइव किया था, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैलकुलस मेथड से, वही होम एग्जाम में ध्यान रखना कि इसमें भी ये पूछ देते हैं ड्राइव करने को सिमिलर इक्वेशन। तो यहाँ पर टर्म हम बिल्कुल उसी के हिसाब से लेंगे जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में लिया था, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, नोट करें आगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, पहले ओमेगा नॉट में एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या एट एनी टाइम टी, ठीक। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलर। अब आपको बेसिक फार्मूले पहले यहां पर आपको नोट कर लें, अल्फा इज इक्वल टू आपको मालूम क्या होता है, डी ओमेगा वाई डी टी, ठीक। और इसमें आप वो भी यूज कर सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा
और डी थीटा बाई डी टी चैन रूल जैसे वहां काइनेमेटिक्स में यूज करते हैं, तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, तो ये डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये भी एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक, डबल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक, आप डी ओमेगा बाई डी टी है तो यहां पर डी अपॉन डी टी और ओमेगा की जगह डी थीटा बाई डी टी बिल्कुल सेम है जो काम काइनेमेटिक्स में करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव, ये बन गया फार्मूला। ठीक, और ओमेगा आपको मालूम है फार्मूला, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। तो इन फार्मूलों का यूज करके जैसे हमने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन निकाली थी, ठीक उसी तरह से हम यहां पर भी इक्वेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन नोट करें, लिखें फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा वाई डी टी का यूज करेंगे। डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी को इधर ले जाएं और इसके इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, तो डी ओमेगा अल्फा कांस्टेंट होगा तभी लगेंगे इक्वेशन, वहां भी तभी लगती थी और यहां पर भी, अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ध्यान रखना स्ट्रिक्टली। जो लोग काइनेमेटिक्स में कर लेंगे वो यहां भी वर्क को कर लेंगे। तो अल्फा इंटीग्रेशन साइन से बाहर, ये टाइम जब टी जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, एट एनी टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, लोअर लिमिट ओमेगा नॉट अपर लिमिट ओमेगा, यहाँ पर टी इन ब्रैकेट जीरो टू टी, अपर लिमिट डालें माइनस लोअर लिमिट डालें, ये अल्फा टी हो गया, ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो गया, ये बिल्कुल बन गया जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक उसी तरह से ये इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ये इक्वेशन जो है वो रोटेशनल डायनामिक्स की हैं, वहां पर जो इक्वेशन हम पढ़ते थे वो आपका जो है वो काइनेमेटिक्स की थी, यहाँ पर इक्वेशन रोटेशनल डायनामिक्स की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन गई, v इज इक्वल टू जैसे u प्लस ए टी था वैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बन गया। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन पर आए, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, याद होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ओमेगा थीटा इज इक्वल टू एस की जगह थीटा, वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको याद होगा कि डी थीटा बाई डी टी है, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है, इससे डी थीटा यहाँ लिखें, यहाँ बिल्कुल उसी तरह होंगे ड्राइव, ये डी थीटा ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वैल्यू डाल दें यहाँ पर ब्रैकेट में डी टी, और यहाँ पर लिख देना ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और एक बात याद रखना, अगर केवल ये इक्वेशन ड्राइव करने को आए तो फर्स्ट इक्वेशन भी ड्राइव करें, करके तब वैल्यू यहाँ डालना, ये ध्यान रखना बात होम एग्जाम के लिए। तो ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, अल्फा लिख देना कॉन्स्टेंट है, ये इक्वेशन जब ही लगेगी जब अल्फा कॉन्स्टेंट होगा। अब इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड्स, अल्फा को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लगा दिया, लिमिट जीरो से टी, यहाँ टाइम जीरो से टी और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जीरो ले रहे हैं एट एनी टाइम थीटा, तो डी थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा आएगा, ये ओमेगा नॉट डी टी का इंटीग्रेशन टी हमने डाल दिया अपर लिमिट, लोअर लिमिट वैसे ही जो है जीरो है, और टी डी टी का क्या होगा टी स्क्वायर बाई टू, तो ये बन गया हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हो गया आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर जो है आप थर्ड इक्वेशन को लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन है वो जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, ठीक इसी तरह से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा है, और हम चैन रूल लगाकर जैसे काइनेमेटिक्स में हमने ड्राइव किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम उस पर ड्राइव करेंगे। तो क्या अभी बनाए थी इक्वेशन हम लोगों ने, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ठीक है चैन रूल पूरा नोट कर लेना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिखें,
यहाँ डी थीटा वाई डी टी नोट करें, डी थीटा वाई डी टी एंगुलर ब्लास्टी होती है, ये डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये बन गया फार्मूला। अब इसको आप डी ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा को एक साइड करें, अल्फा डी थीटा को एक साइड, अब इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड्स, अल्फा कांस्टेंट जरूर लिख देना, जीरो से थीटा एंगल इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ठीक, और एट एनी टाइम जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा, अब इंटीग्रेट करो तो यहाँ वन बाई टू ये ओमेगा स्क्वायर होगा, पावर एक इंक्रीज हो जाती है, लोअर लिमिट डालें अपर लिमिट डालें, अल्फा लिखें थीटा लिखें, अब यहाँ पर वन बाई टू अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा, ठीक। अब टू को उधर मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर नोट कर रहे हैं हम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा, ये बन गया, ये बिल्कुल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस की तरह सिमिलर फार्मूला तैयार हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है काहे की, रोटेशनल डायनामिक्स की, वो काइनेमेटिक्स की थी और ये इक्वेशन बन गई आपकी रोटेशनल डायनामिक्स की। तो इन इक्वेशन को आप ध्यान रखना, डेरिवेशन ये होम एग्जाम में पूछ लेते हैं डेरिवेशन, इसलिए इनका तीनों का और थ्योरी साथ में जरूर लिख कर आए पूरी। थ्योरी के लिखने का मतलब कि ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, अल्फा थीटा फार्मूले, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी क्या ली है, इनिशियल पोजिशन क्या है, जीरो पर है, एट एनी टाइम एंगल थीटा है, ठीक, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस टॉपिक में याद रखना, हमने वैसे वेक्टर में नोट कराया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, वो ना तो स्केलर है और ना वेक्टर है। स्केलर वो इसलिए नहीं है कि स्केलर की जो डिफिनीशन होती है उसमें ये बताया जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड बॉडी का किस ओरिएंटेशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। आपने पूरी रोटेशनल पढ़ ली है, उसमें देखा होगा कि रोटेशनल डायनामिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर के अबाउट कुछ और है, रॉड का कॉर्नर के अबाउट कुछ और है, चेंज हो रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 है, यहाँ एम एल स्क्वायर बाई 3 है, इसलिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए स्केलर नहीं है, और वेक्टर है ही नहीं क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, इसलिए नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। वैसे ये टेंसर एनालिसिस होता है हायर फिजिक्स और मैथ में, उसमें ये उसके अंदर ये आता है स्केलर और वेक्टर, ठीक है ना, वो टेंसर है अदर टाइप का। तो फिलहाल आप उस टॉपिक पर न जाकर सीधे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टू लिखें नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो ओके स्टूडेंट, हम लेक्चर को क्लोज करते हैं और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में।